हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी एंड वेलकम बैक टू राखीज रसोई। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मावा गुलाब जामुन की रेसिपी लाई हूँ। आप गुलाब जामुन को देखिए, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है और सारे गुलाब जामुन का कलर एक जैसा आया है। आप गुलाब जामुन के अंदर का पोर्शन देखिए, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे आपको बबल्स यानी छेद दिख रहे। इसका मतलब ये है कि गुलाब जामुन काफ़ी रसीली और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आप इसी तरह गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपके गुलाब जामुन इसी तरह रसीली बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर हमें एकदम सॉफ्ट वाला मावा लेना है। सॉफ्ट मावा यानी ये गाय के दूध से बना हुआ मावा, जिसे हम हरियाली मावा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राम्स और कप दोनों का मेजरमेंट आपको बताऊंगी। ये मैंने 4 कप भर के मावा लिया है। ग्राम्स में देखे जाए तो ये 500 ग्राम मावा है। मावा को अच्छे से ग्रेट करके एक थाली में ट्रांसफर कर दें। इस तरह करने से हमें एक जैसे मावा के दाने मिल जाएंगे। मावा अगर फ्रेश हो तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, लेकिन मावा अगर 2 से 3 दिन पुराना भी रहेगा तो थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाएगी। इसीलिए इसे अच्छे से ग्रेट कर दें तो इस तरह हमें एक जैसा दाना मिल जाएगा। अब इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मावा को पहले से ही इसलिए बड़ी थाली में लिया है ताकि हम आसानी से इसे मसलें। तो आप हथेली से ही इसे मसलते रहे। आप जितना इसे मसलोगे ये और भी सॉफ्ट होते जाएगा, क्योंकि मावे में घी रहता है। आप यहाँ पर पानी या दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, बस इसे मसलते रहे। लगभग 8 से 10 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। आप देखिए, इस तरह से हमें सॉफ्ट मावा मिल चुका है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप पनीर ले रही हूँ। ग्राम्स में देखे जाए तो ये 100 ग्राम्स पनीर है। इसे मैंने 1/4 लीटर दूध को फाट के बनाया है। आप चाहे रेडीमेड पनीर भी ले सकते हो। अब गुलाब जामुन में बाइंडिंग लाने के लिए इसमें मैदा डालेगी। तो यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ा कम मैदा ले रही हूँ। ग्राम्स में देखे जाए तो ये 100 ग्राम्स मैदा है। एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर बाई चांस गुलाब जामुन आगे जाके फटते हो तो थोड़ा सा मैदा आप और डाल दें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून मैदा बचा लिया। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करने के बाद आटा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। आप गुलाब जामुन में थोड़ा सा इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इलायची पाउडर आप चाशनी में भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर इलायची पाउडर दोनों में डाल रही हूँ, मावे में भी और हम चाशनी में भी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके एक बार गूंद लें। गूंदने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। डो अगर काफ़ी टाइट हो तो थोड़ा सा दूध डालें और एकदम सॉफ्ट डो तैयार करें। अगर डो सॉफ्ट हो तो बस उसे गूंद के साइड में रख दें। डो अगर काफ़ी टाइट हो तो गुलाब जामुन काफ़ी हार्ड बनेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर सॉफ्ट डो तैयार करें। ये देखिए, ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने साइड में रख देंगे। तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में मैंने लिया है यहाँ पर 900 ग्राम शक्कर, यानी 900 ग्राम शक्कर है। कप्स के हिसाब से आप देखे जाए तो ये 7 कप शक्कर है। जितना आपने मावा लिया था उसे डबल आपको शक्कर लेना है। आप यहाँ पर 1 किलो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम लिया है। और जितना आपने शक्कर लिया है उसे आधा आप पानी डालें। यानी 900 ग्राम मैंने शक्कर लिया था तो मैं यहाँ पर 450 ग्राम पानी डाल रही हूँ। कप के मेजरमेंट से 7 कप शक्कर था तो मैं 3.5 कप पानी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और गैस पर बॉयल होने रख दें। यहाँ पर हम शक्कर को पहले अच्छे से मिक्स करते हुए मेल्ट करेंगे। अब हम इसमें केसर का पानी डालेंगे। मैंने 10 से 15 केसर को 2 टीस्पून पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, ये इसमें डालेंगे। आप चाहे डायरेक्ट केसर भी इसमें डाल सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर हमें गुलाब जामुन की 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक स्टिकी फील होना चाहिए। चलिए, शक्कर अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है और इसे उबलते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिकीनेस चेक करते हैं। तो स्पून में थोड़ा सा चाशनी ले लें और फिंगर प्रेस करते हुए चेक करें। अगर ये स्टिकी लगता हो तो बस उतना ही हमें गुलाब जामुन की चाशनी चाहिए। गैस बंद कर दें। हमें यहाँ पर गुलाब जामुन की एकदम पतली वाली चाशनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून गुलाब जल यानी रोज वाटर डालेंगे। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें। इससे गुलाब जामुन का टेस्ट और भी अच्छा आता है। यहाँ पर कई बार
गुलाब जामुन का चाशनी ठंडी होने पर थोड़ी शुगर क्रिस्टल्स जम जाती है, तो ये अवॉइड करने के लिए आप 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर सकते हो। इससे शक्कर की चाशनी बिल्कुल भी नहीं जमेगी और चाशनी एकदम पतली रहेगी। अब यहाँ पर जितनी हमने चाशनी बनाई थी इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए अब हम गुलाब जामुन की मावा की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए मावा अच्छे से मोड़ चुका है, एक बार इसे मसल लें। और इसे स्टफ करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शक्कर। शक्कर या मिश्री यूज करने से गुलाब जामुन के अंदर के लेयर में अच्छे से जाली पड़ेगी। अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी स्टफ कर सकते हो। अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज करते हो तो उसे छोटे छोटे पीसेस में कर दें और थोड़ा सा शक्कर या मिश्री उसमें मिक्स करें और उसे स्टफ कर लें। आप मावा के छोटे छोटे बॉल्स बना लें। यहाँ पर मैं लगभग 15 ग्राम की एक बॉल बना रही हूँ। आप चाहे 12 ग्राम की भी एक बॉल बना सकते हैं और 20 ग्राम की भी एक बॉल बना सकते हैं। एक एक लोया ले लें और इसे पहले फ्लैट करें और थोड़ा सा शक्कर या मिश्री बीच में रख दें और चारों तरफ से कलर करते हुए अच्छे से रोल करें और एकदम सॉफ्ट बॉल बना लें। आप देखें इस बॉल पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। आप देखिए इस तरह मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए मैंने घी को गर्म करने रख दिया है। आप चाहे इसे तेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर गुलाब जामुन को भी आपको एकदम स्लो फ्लेम पर तलना है। जितना आप स्लो फ्लेम पर इसे तलोगे गुलाब जामुन की आउटर लेयर में इवन कलर आएगा और अंदर तक ये अच्छे से कुक हो। तो एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए पहले एक बॉल डाल दें। लगभग 1 से 2 मिनट बाद आप देखिए गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। अगर बाई चांस आपको लगता है इसमें थोड़े से भी क्रैक्स आ रहे हैं, जितना हमने मैदा बचाया था वो इसमें डाल दें। लेकिन इसमें कोई क्रैक्स नहीं आ रहे तो इस तरह में थोड़ा थोड़े गुलाब जामुन के बॉल्स डालते जा रहे। आप यहाँ पर कढ़ाई भर के गुलाब जामुन ना डालें क्योंकि जैसे हम इसमें डालेंगे थोड़े से गुलाब जामुन फ्राई होने के बाद में फूल जाएंगे। और यहाँ पर एकदम आप फ्लेम स्लो करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बबल्स है तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं। लगभग 1 मिनट के बाद जैसे ये बबल्स कम हो जाए आप फिर से गैस चालू कर। इसका मतलब ये है कि आपको गुलाब जामुन एकदम स्लो फ्लेम पर तलना है। अब जैसे ही आपने इसमें गुलाब जामुन डाला है इसे आप चम्मच से बिल्कुल भी ना टच करें। यहाँ पर मेरे पास इस तरह का लकड़ी है, हल्के हाथ से मैं लकड़ी से ही इसे थोड़ा पुश करें। या तो आप कढ़ाई को संजी से पकड़ कर हल्के से हिलाएं तो गुलाब जामुन अपने आप ही नीचे से ऊपर आ जाएगा। जैसे ये ऊपर आ जाए आप झरने से इस तरह रोल करें। इस तरह रोल करने से गुलाब जामुन चारों तरफ से एक जैसा फ्राई होते जाएगा। यहाँ पर फ्लेम मैंने शुरुआत से लेके एंड तक स्लो ही रखा है, आप बिल्कुल भी हाई नहीं करें। फ्रेंड्स ये सारे टिप्स इसलिए शेयर करियो क्योंकि गुलाब जामुन पर बिल्कुल दाग भी नहीं होना चाहिए और जब भी गुलाब जामुन फ्राई करते हो चारों तरफ एक जैसा कलर आना चाहिए और इसमें क्रैक्स भी नहीं होना चाहिए। अंदर इसमें कोई गुठली भी नहीं पड़ना चाहिए और अंदर तक ये अच्छे से कुक होना चाहिए। इसीलिए फ्राई करते समय मैं हर स्टेप डिटेली आपको समझा रही हूँ ताकि जब आप गुलाब जामुन बनाएं आपके गुलाब जामुन भी इसी तरह परफेक्ट बने। आप देखिए लगभग एक बैच गुलाब जामुन चलने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं स्लो फ्लेम पर। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आप लाइट कलर जब हो आप निकाल सकते हो। मैं हल्का सा इसे थोड़ा डार्क कर दूँ। आप देखिए गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफर कर दें। इसी तरह आप बाकी बचे बॉल्स को भी फ्राई करें। तलते समय आप घी पर खास ध्यान दें। घी काफी अगर गर्म हो बॉल्स डालने के बाद आप गैस बंद कर दें। जैसे ही बबल्स थोड़े कम हो जाए आप गैस फिर से चालू कर सकते हैं। अब गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दें। जब आप गुलाब जामुन को चाशनी में डालते हो या तो गुलाब जामुन गर्म होना चाहिए या तो चाशनी, दोनों में से कोई भी एक हल्का सा कुनकुना होना ही चाहिए तो ही गुलाब जामुन चाशनी को अब्सॉर्ब करेगा। इस तरह आप एक एक करके गुलाब जामुन चाशनी में डालते हैं। तो जब आप गुलाब जामुन चाशनी में डालते हो सके तो वेजल एकदम चौड़ा वाला ले ताकि सारे गुलाब जामुन उसमें समाए। आप देखिए इस तरह मैंने सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब इसे अगर आप चम्मच से हिलाओगे तो ये टूट सकते हैं। तो जो हमने चाशनी आधा बचा के रखा था आप इसे ऊपर से डाल दें। इस तरह सारे गुलाब जामुन को चाशनी इक्वली मिल जाएगी। यहाँ पर चम्मच बिल्कुल ना हिलाएं। अगर आपको मिक्स भी करना हो तो आप बर्तन को ही हल्के से घुमाते हैं तो ये गुलाब जामुन अपने आप ही चाशनी में डूब जाएगा।
इसे इसी तरह लगभग 4 से 5 घंटे रहने दें ताकि सारे गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करें। ये हमारे गुलाब जामुन तैयार है। इसे आप नॉर्मल टेम्परेचर में 3 से 4 दिन रख सकते हो, या तो आपको लंबे समय तक रखना हो तो इसे फ्रिज में रखें, और अगर आपको बाहर रखना है हर 2 दिन में आप इसे गर्म कर दें तो ये आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हो। चलिए मैं आपको एक अंदर का लेयर दिखाती हूँ। आप देखिए इसमें कितने अच्छे पोर्स आए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। मैंने काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है, आप ये सारे फॉलो करके गुलाब जामुन ज़रूर बनाएं। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, keep trying my recipes.